तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः गुरुदेवाय धीमहि सममूर्तये श्री श्रीमाधवस्य स्वरूप सिद्धान्ति प्रभव श्री महात्मने। नमः विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमाधवभक्तिवेदान्त नारायणेति नाम्ने। श्री कृष्णनीलाकटने सुदक्ष अवतार्य माधुर्य गुणैः युक्तम् परम करण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं स्तं शिरसा नमामि। नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंहगर्भिणी श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवस्तुनामि। नामयं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय कुटले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती दिनामि। श्रीवाचवानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्यजल प्रमाण श्रीरूपानुग भक्तिदा श्रीगौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणी श्रीरूपानुग वृन्दाव सिद्धान्तदन्तहारिणी। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वरदमूर्तये विप्रलम्भरसाम्बुधे पादाम्बुजाय नमः। नाम भक्ति विनताय सचिदानंद नामिनी गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुभवराय ते गौर आविर्भाविष्टम् निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पांचाकल्पदुर्भ्यश्च कृपा सिंधु भैव च कथितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः नमः। वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाई केशव सच कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव साधि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वृंदावन
Thank you.
Krishna,
चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद वलाहि कृष्ण 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 हरे राम 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 वलाहि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे अंतिम समय पर उन्होंने कुछ भक्त लोगों को बुला करके कुछ उन्होंने विशेष विशेष उपदेश दिया है। उनको उपदेश है कहते सहन करना मठवासियों का एक विशेष गुण है। ये सहन ऐसे की चीज है कहते ना जो सहे सो रहे और जो ना सहे वो ना सहे है। इसलिए मठ में हो नहीं तो घर में हो ये सहन करना ये चीज को सीखनी चाहिए। और वो अंतिम समय में कहते हैं सत लांछना सत गंजना सत अपमान सुन करके भी हरि भजन नहीं छोड़ना है। इसलिए जितनी लांछना गंजना जितने अपमान होने पर भी भले दुनिया छूट जाए लेकिन भगवान की भक्ति हमारे नहीं छूटनी चाहिए। भगवान की भजन नहीं छूट अनुभव कहा क्या उसी कर क्या कर कहा है और हमें ये कहाँ चला गया पंडित जी कहाँ चला गया चला इसलिए सहन करना जीवन में सब जरूर सीखनी चाहिए। इसलिए हमारे जितने गुरु वर्ग हुए हैं और सबके सब एक ही चीज बोले प्रभु हम तुम्हारी दासों का दासों का दासों का हम दास है। हर व्यक्ति बोले हम आपके दासों का दासों का दासों का दास है। क्या अभिमान कब आता है? अभिमान तभी आता है जब हम अपने आप को बहुत बड़े मान लेते हैं तभी जीवन में अभिमान आता है। अरे हम तो इतने बड़े हैं हम हैं हमको क्या कौन बोल सकता है तभी ये चीज अभिमान आती है। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु भी कहते हैं महाप्रकृत्वत वृत्त वृत्त वृत्तस्य वृत्त हैं कदास दास दासानु दास लहे प्रभु हम तो आपके दासों के दासों के दासों का हम दास हैं। हम सबसे छोटे हैं और हमसे सबके सब सबसे हमसे सबके सब बड़े हैं। जब अपने तो अंदर में ये भावना आएगी हम सबसे छोटे से छोटे से छोटे से छोटे हैं फिर तो कोई अभिमान आए ही नहीं। जब बड़ा अभिमान हो बड़ा हो तभी हमारी अभिमान आता है। इसलिए बोले अभिमान सुरापान प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। अभिमान मतलब है जैसे शराब पी करेंगे ना ऐ हम बादशाह है बोलता ना शराब हम तो बादशाह है हम दुनिया का मालिक है। जब वो शराब पी लेता है क्या उसी तरह कहते जब हम लोग ये प्रतिष्ठा रूपी शराब को पीते हैं अभिमान रूपी शराब को फिर हमारे अंदर में ये अभिमान ये तभी ये अभिमान हमारे अंदर में आती है। इसलिए हर समय हम भक्तों का दासों का दासों का दासों का हमें दास बन के रहना चाहिए ठीक है ना। ये चीज को अच्छे तरह से हमें गांठ बांध लेनी चाहिए गांठ बांध लेनी चाहिए। हम सबसे छोटे हम सबके सबसे सब हम बड़े तब क्या करेंगे हम सबको कोशिश करेंगे सम्मान देने के लिए। इसलिए श्री महाप्रभु कहते हैं जीवर सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान बोले हर जीव को सम्मान देना बोले क्या समझ करके बोले सबका हृदय में ठाकुर जी बैठे सबके हृदय में ठाकुर जी सबका हृदय में बैठे हुए हैं। भागवत में तो ये
बताए कुत्ते चंडाल हाथी हैं ये सबको गधे सबको प्रणाम करने चाहिए। ये कहते हैं बोले क्यों, बोले सभी का हृदय में कौन बैठे हैं, ठाकुर जी। ठाकुर जी सबके हृदय में बैठे हैं, जब ठाकुर जी सबके हृदय में बैठे रहे तो क्या करनी चाहिए, सबको हमें सम्मान, सबको हमें सम्मान देनी चाहिए, ठीक है ना। और विशेष करके भक्ति जीवन में बड़ी बात आया, इसलिए बोले सत्यम सतने न बिघ्नना। आप सब सच बोलने के लिए जाओ, आप देखना वहां पर सौ विघ्न है। अगर सच बोलने के लिए जाओगे, अगर आप तपस्या करने के लिए जाओगे, वहां पर हजार बाधाएं, वहां पर हजार बाधाएं। अगर आप भक्ति करने के लिए जाओगे, वहां पर तो हर स्टेप स्टेप में बाधाएं आएगी, हर स्टेप स्टेप में आपको बाधा आएगी, हर स्टेप में आपकी बाधा आएगी। अगर आप भक्ति करने के लिए जाओगे, कभी यहाँ तक भी जब भक्ति करने के लिए जाओ, देवता लोग भी हमारे टांग पकड़ कर खींचना चाहते हैं। बोले क्यों, यदि एक साधारण जीव ये बढ़ते जगत में जन्म लिया, लेकिन जब कोई भक्ति करता है वो कहाँ तक जाता है, वो गोलोक वृंदावन में जाता है, भगवान का धाम में जाता है। बहुत ऊंची पोस्ट है, बहुत ऊंची स्थान श्री गोलोक वृंदावन, सबसे ऊंचा स्थान है। जब भक्ति करेगा वो इतना दूर जाएगा, जाएगा तो देवता लोग तो बहुत नीचे रहे, स्वर्ग लोग में रहे, उसको ब्रह्म जन तप सत्य ब्रह्म लोग वैकुंठ लोग अयोध्या मथुरा भैर तो जाकर के कहीं गोलोक वृंदावन सबसे ऊंचा स्थान श्री ठाकुर जी का धाम है। इसलिए देवता लोग सोचते हैं भैया जी एक साधारण व्यक्ति हो करके हमारे सर के ऊपर प्यार रख करके गोलोक वृंदावन चले जाएगा, हम तेरे को जाने नहीं देंगे। इसलिए देवता लोग भी टांग पकड़ करके हमारी खींचना शुरू कर देते, देवता भी टांग पकड़ खींचते, तुमको जाने हम नहीं देंगे, तू कैसे जाओगे, तेरे को जाने नहीं देंगे। इसलिए भक्ति जगत में बड़ी बड़ी बाधा है, बड़ी बड़ी लहरी भक्ति जगत में आती है, ठीक है ना। इसलिए हम प्रभु की भक्ति करने के लिए हमें, इसलिए हमारे उपनिषद में बताया खुरस्य धारा निशीत धुरतया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति। कहते कभी लोग कहा करते हैं जो भक्ति का मार्ग है, खूर की धार होता है ना, जैसे ब्लेड में सेव करते हैं, अगर इधर उधर कुछ हो गया कट जाती है। कहते भक्ति जगत में भी ऐसे एक चीज है, भक्ति जगत में भी ऐसे एक चीज है। इसलिए हमें सावधान रह करके कभी किसकी निंदा चर्चा नहीं करते हुए हैं, सबको यथाजोग्य सम्मान दे करके हमें भक्ति राज्य में हमें धीरे 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 हमें आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है। देखो हमारे गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे, बोले एक समय कोई एक ब्रह्मचारी मंदिर में आया, ब्रह्मचारी मंदिर में आया तो कुछ गड़बड़ किया है कि वहाँ बताए कि हमारा तो गलती होता है, हमारी गलती होता है। अभी उन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो गुरु जी ने डांट लगा दी, जब डांट लगा दिए अभी उसको तो अभिमान हो गया, गुरु जी हमें कैसे शासन किया, हमारी गलती कभी हो सकती है, हम तो मुक्त पुरुष हैं। एक व्यक्ति अभिमान कब करता है, अगर कोई किसी ने अगर शासन किया उसका अभिमान कब आता है, जब ये आता है अरे हम सब जानते हैं हमें कौन शासन कर सकता है, हमारी कोई गलती कभी हो सकती है। इसलिए गुरु जी ने कुछ उल्टा पुल्टा किया तो गुरु जी ने शासन कर दिया, गुरु जी ने डांट लगा दी, डांट लगाए तो इतने में उसको तो बड़ा अभिमान हो गया, बोला और मंदिर भी नहीं रहे, हम साधारण घर के थोड़ी है, हम थोड़ी साधारण घर के, हमको गुरु जी आज ऐसे ऐसे बात गुरु जी बोल दी, आज हम मंदिर छोड़कर अपना घर चले गए। उसका रोज काम था यमुना में जाना कलश ले करके, और कलश में पानी भरना, और पानी भर करके ले आना, और ठाकुर जी की पानी में ठाकुर जी की ये अभिषेक होता है, इनका नित्य नियम यही था, यही काम था, हाँ काम था। और कहाँ गए जनार्दन, कहाँ गए बुलाने के लिए गया तो उधर ही गए, हाँ तो नहीं और हमारे ये काम है मृदंग बजा रहे कहाँ गए, बात लो हरे कृष्ण। इसलिए अभी ये गुरुजी ये कथा को ना बारंबार सुनाया करते थे ब्रह्मचारियों को,
बारंबार सुना है तत्व गुरुदेव मथुरा में रहते थे, इसलिए उसका ये काम था रोज यमुना में पानी भर कर लाना, वो पानी से ठाकुर जी अभी से होता था। अभी सोचा आज हम पानी भरने का बहाना बना करके जाएंगे और वहीं पर कल से रख करके ना बस वहीं से भी घर में चला था। अभी कल से लेकर के आया, यमुना किनारे में रखा और जा रहा, जब जा रहा था वो कल से बोल पड़ा, बोले ब्रह्मचर्य कर इधर आ, वो कल से बोल रहे बोले इधर, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले घर में, बोले क्यों, बोले गुरुजी हमें आज शासन कर दिया, गुरुजी हमें अभी शासन डांट लगाया, हम ऐसे तैसे थोड़ी है, ऐसे तैसे थोड़ी है, हम साधारण घर के थोड़ी, हम बहुत बड़े घर के आए और बहुत लिखे पढ़े जानता हूँ, हम यहाँ पर गुरुजी की डांट खाने के लिए नहीं आए, हैं डांट खाने के लिए नहीं आए, आज तो हम अपना घर में वापस जा रहा हूँ। तब तो कलसी ने बोला जानते हो आज मैं कैसे ठाकुर के सेवा में लग रहा, ऐसे नहीं मेरी जीवन सुन ले, कलसी कह रहा है पहले मैं वहाँ का मिट्टी था जहाँ पर लोग मेरे ऊपर में टाटी पेशाब करते थे, वही का मैं मिट्टी था, किसी कुम्हार ने वहाँ का मिट्टी काट करके लाया, देखे होंगे कलसी देश बनता है, वहाँ से मिट्टी काट करके लाया तब भी छोड़ा नहीं, एकदम कड़ी धूप में मेरे को पहले सुखाया, सारी गर्मी सहन किया तब भी उसने मेरे को नहीं छोड़ा, डंडे से फिर मार 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 करके मेरे को एकदम मुलायम बनाया, डंडे से मार मार करके मेरे को पहले उन्होंने मुलायम बनाया तब भी मेरे को छोड़ा नहीं। उसके बाद में फिर पानी डाला, उसने पानी डाल करके प्यार में खूब रोते रहा, खूब प्यार में अब देखे होंगे प्यार में खूब रोता है तब भी उसने नहीं छोड़ा, फिर मेरे को वैसे नहीं चलाया, अब देखे होंगे चक्का होता है ना, चक्का होता है, वो चक्के के ऊपर में उसको मिट्टी को रख करके फिर बनाते कलसी, फिर उन्हें चक्के के ऊपर चलाया तब भी मेरे को छोड़ा नहीं, अब देखा जो कलसी बनता है नीचे एक हाथ रखते हैं ऊपर में एक लकड़ी होता है, इसे मार 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 कर उसको मलाई बनाते, उसको कलसी बनाते, मेरे को मार 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 करके मेरे को कलसी बनाया तब भी मेरे को छोड़ा नहीं, एकदम कड़ी धूप में पता नहीं कितने दिन तक मेरे को उसने कड़ी धूप में दिया, मैंने इतने कड़ी धूप का सहन किया तब भी मेरे को छोड़ा नहीं। आप देखना भाटी में जलाते हैं कोयला दे करके लकड़ी दे करके अंदर में ढाल देते हैं, सारे कलसी को रख करके ऊपर से पूरा मिट्टी से पोत देते, जैसे वहां से एक आग जैसे निकलने धुआं भी नहीं निकल पाए, पूरा ऊपर से उन्होंने पोत दिया, पूरा पोत करके अंदर में आग लगाई, और एक दिन नहीं चार पांच दिन तक वो आग धीरे 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 जलते 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 जलते, क्योंकि पहले वो काला होता है, धीरे धीरे जलते जलते कुछ रंग कैसे हो जाता है, लाल हो जाता है, ऐसे लाल नहीं होता है, चार पांच दिन तक आग में मेरे को जला 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 करके उसने मेरे को पूरा पूरा लाल रंग बनाया। उसको बाद में फिर तभी नहीं छोड़ा, मेरे को ले गया मार्केट में बेचने के लिए, अब देखना जो मार्केट में बेचते हैं कलसी को उसको पास में लठिया रहता है, जो आता है ना उसको कान पकड़ के उठाया और मारे, क्योंकि वो फट्टा उगाना सही है, हाँ? अगर आवाज से पता चल जाता है, अगर ठंडा ठंडा आवाज होता पता चलता भैया फटा हुआ है, अगर आवाज अगर सही हो ना तो पता चलता है कि कलसी सही है, जो आए और कान पकड़े जो आए और कान पकड़े और ढंडे वाले हैं, कोई मेरे को छोड़ा नहीं, जो भाग्य बच मेरी भाग्य से आपका गुरु जी मेरे पास में आए और वो भी मेरे कान पकड़े, वो भी डंडे मारे मेरे को, डंडे मार करके जब देखा सही है फिर आपका गुरु जी मेरे को खरीदी करके ले आ ला करके, अभी मैं रोज क्या होता है तुम मेरे को ले आते हो यमुना में, रोज यमुना में स्नान करते हैं ना, कि देखो अभी मैं रोज यमुना में स्नान करता हूँ और मेरे में पानी भर करके ले जाते हैं, ले करके रोज ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर की जो अभिषेक होती है उसमें रोज रोज हमें ठाकुर जी अभिषेक करता हूँ। अब देखना जब अभिषेक करते हैं पुजारी चंदन घिसते हैं अगुर कर्पूर सेंट उसमें सब डालते हैं फूल चंदन में, और बार बार जो मिट्टी का कलसी होता है
बार बार उसमें हाथ लगाते 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 वो कलसी में भी सेंट कर्पूर अगुर का कलसी में भी सेंट आ जाती है, उसमें भी सुगंध आ जाती है। क्यों? कलसी को बार बार पकड़ कर पानी निकालते हैं अभिषेक के लिए, हाथ में जो लगा हुआ चंदन कर्पूर अगुर भी खुशबू आ जाती है। किसमें? कहते कलसी में खुशबू आ जाती है। देखो अभी मैं ठाकुर जी को सेवा कर रहा हूँ, इसलिए बेटा संसार में तेरे को प्यार करेंगे? दिन भर काम करो, पैसा कमाओ, सोचोगे संसार में आने पर शांति? पहले तो बीबी की डंडा पड़ेगी, अभी तक क्या कर रहे थे, बच्चों को पढ़ाया नहीं, पेपर आ रहा है, सब्जी नहीं, हल्दी नहीं, नमक नहीं, इतना देर क्यों किया? फिर भागता है, फिर भागता है, फिर आएगा। थोड़ी सबको सेवा करो, अगर थोड़ी सी कोई भूल चुप हो जाएगा कोई छोड़ेगा नहीं, कोई छोड़ता है? जीवन में सभी को सेवा करते रहो और सबकी डांट के उठा, सभी की गाली गलौज सुनो, बेटे की, बहू की, नाती की, पोती की, पति की, पत्नी की, सबका डांट पड़ता ही नहीं। अभी तो संसार में किसको हमने खुश करता है? संसार में अभी तो कोई संसार में किसको कोई खुश करता है क्या? उसका तेज हरे कृष्ण, इसलिए किसको खुश नहीं कर पाए। इसलिए कल से भी कहा, देखो गुरु वैष्णव का शासन, इनके शासन से ही कल्याण है, प्रशंसा से हमारा कल्याण नहीं। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमारी प्रशंसा से कोई कल्याण नहीं है। जितने वैष्णव का डांट पड़ेगी हमारे ऊपर में, जितने हमारे ऊपर शासन होएगा, उतना ही हमारा कल्याण है। ये बात सब जो हाँ गुरु वैष्णव हम कितना प्रशंसा करें उसमें कल्याण नहीं, बल्कि उसमें अभिमान आ जाता है। लेकिन जितने शासन होगा उतना अपने अंदर में दीनता आएगी, हाँ भावना आएगी, नीच ज्ञान आएगी, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु इसलिए बोले भक्ति करने के लिए चार गुण चाहिए, तभी भक्ति कर सकते हो। बोले चार गुण क्या है? बोले तृणा दबि सुनिचे न करो रवि सहिष्णुना अमानी नान देन कीर्तनी असदा। बोले तृण से आपको दीन ही नहीं मानो, आप चलते हुए देखना घास के ऊपर प्यार करता है, घास सिर पर नीचा कर देता है, लेकिन जो प्यार उठता है सर ऊपर कर देता है। इसलिए कहते तीन से भी ज्यादा दीन ही अपने आप का मान है। कहते वृक्ष से भी ज्यादा सहन शक्ति होनी चाहिए। जैसे आप जा रहे हो, देखा कोई पेड़ उसका टहनियां तोड़ करके नीचे बिछा कर बैठ गए, नहीं तो उसमें कोई फल होगा उठाया पत्थर और मारे, लेकिन मारा तो आपने, लेकिन उसने क्या किया, उसने एक फल दे दिया। मारा अपने, लेकिन आपको उसने फल दे दिया, टहनियां तोड़ दिए। तभी उसने ये नहीं बताया तुमको मैं छाया नहीं दूंगा, तभी तुम्हें छाया देती है वृक्ष में, और परोपकार उसका पत्ते को, छिलके को, टहनिया को, लकड़ी को, सब दूसरे उपकार में, सब दूसरों के उपकार में वो अपना जीवन लगा देता है, ठीक है ना। इसलिए कहते पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु, और सबको सम्मान, सबको सम्मान देनी चाहिए, किसको असम्मान नहीं करनी चाहिए, सबको जथा जगह। इसलिए भक्ति ठाकुर कहते हैं बड़ा कृपा करी गौरव बनवाजे गोद्र में दिया चढ़ा आज्ञा दिला मोरे केही प्रजवसी हरि नाम करगा हैं किंतु कबे प्रभु योग्यता हरबी वे एदा सरे दया करी। उसके बाद में चित्त स्थिर हवे सकल सहिव एकांत भजिव हरि। कब ऐसे दिन आएगा? गुरुदेव कृपा करके प्रस्थान किया, लेकिन कब ऐसे दिन आएगा सब कुछ सहन करने की हमारे अंदर में शक्ति आए, सब कुछ सहन करने की, तभी तो भजन कर सकते हो। अगर सहने की शक्ति नहीं आए ना, अगर थोड़ी थोड़ी बात में मचल जाएगी भजन क्या करोगे, भजन कर ही नहीं सकते हो। दिन भर वही चिंता दिमाग में, वही चिंता घूमते रहेगा, उसने मेरे को ये बोल दिया, उसने ऐसे कर दिया, उसका ऐसे हो गया, भजन क्या कर दे दिन भर तुम्हारे दिमाग में, तो वही चीज चक्कर काटते रहे, वही चीज ही चक्कर काटते रहेगी। इसलिए कहते हैं आप कृपा करके हमें ये शक्ति प्रदान करो सब कुछ सहन करने का है। इसलिए जो सहे सो रहे, जो ना सहे वो नाश हो, ये चीज को गांठ बांध कर रखो। इसलिए हर चीज को सहन करने के लिए कोशिश करो, और अपने आप कोशिश करो हम दीन ही वैष्णव का, दासों का, दासों का, दासों का हम अनुदास है। ये अगर ये भावना आएगी ना, सबका हम सेवक है तो सहन करने का आएगा, लेकिन जो अभिमान आएगा हम बड़े,
घर की तभी तो कोई साथ नहीं कर सकता, थोड़ी सी बात होगा तो मन में उथल पुथल बचने लग जाएगी, हमें ऐसे बोल दिया, हमारी ऐसे हो गया, हमारी ऐसे हो गया, ठीक है ना। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कीर्तनीय सदा हरि, तब भी हर समय तुम कीर्तन कर सकते हो, नहीं तो कीर्तन नहीं कर सकते हो। हरिदास ठाकुर जैसे व्यक्ति को लोग गाली गलौज कर रहे हैं, उनको 22 बाजार में पिटा ही हो गई, 22 बाजार में, लेकिन बाद में क्या कहते हैं, भगवान बड़े दयालु, भगवान बड़े दयालु है, क्योंकि हमने ये कानों में ठाकुर जी का निंदा सुना था ना, इसलिए ठाकुर जी 22 बाजार में पिटाई हो गई। वो कहते हैं ठाकुर जी बड़े दयालु, ठाकुर जी बड़े कृपालु है, इन्हीं कानों में हमने निंदा सुना ना, इसलिए ठाकुर जी थोड़ी सी दंड देकर छोड़ दिया, चमड़ा उतर गया उनकी, सारे चमड़ा उतर गया, लेकिन कहते हैं ठाकुर जी मेरे को थोड़ी सी दंड देकर हमें छोड़ दिया। इसलिए ऐसे महापुरुषों का की भावना, नित्यानंद प्रभु का सर फोड़ दिया, माताएं ने सर फोड़ दिए, लेकिन नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, बोले मेरे जी कलसी का काना ताई बोली कि प्रेम देना, भले ही तुमने मेरे सर फोड़ दिया भैया, इसलिए क्या तुम्हें प्रेम नहीं देंगे। इसलिए एक बार बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। पिता गौर Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna.